घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? पुष्पा जैसी मसाला मूवी देखने के वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं बड़ा सना आज आपके लिए लेकर आई हूँ पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। शोर है, चारों तरफ शोर है, इतना शोर कि दक्षिण से उत्तर पूरब पश्चिम सब और एक सी धमक है, और ये धमक है पुष्पा पुष्पा पुष्पा। जब आप इस मूवी का दूसरा पार्ट देखेंगे तो इसमें आप सबसे पहले मूवी में कहानी अदाकारी ढूंढने की कोशिश करने लगेंगे, और तो और लॉजिक ढूंढने की भी एक कोशिश सर उठाएगी और उसका भी दमन हो जाएगा, और फिर दिमाग को झंझोर कर कुछ बातें याद आएंगी कि इसके पहले पार्ट में तो ये मसाला मूवी थी तो ये भी एक वही मसाला मूवी ही होगी। पहली बात, यूं तो फिल्में होती ही फैंटेसी को पर्दे पर उतारने का माध्यम, लेकिन मसाला फिल्में हर सीमा के परे होती है। हिंसा, गुंडागर्दी, क्राइम, इश्क, अश्लीलता, सब कुछ, मतलब गुरु तुम्हारे दिमाग के पर्दे के पीछे जो खुराफात छुपी हो वो किसी ना किसी मसाला डायरेक्टर के भी दिमाग में भी होगी और वो बनाएगा इस पर मूवी, और तुम 350 रुपए की टिकट लेकर उसे बनाओगे करोड़पति। तो ऐसी मूवी के लिए पैसे के साथ दिमाग का दही क्यों करना? इसलिए जब ये मूवी देखने जाओ तो दिमाग को बंद करके जाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाहुबली फेम सुपरस्टार प्रभास के बाद साउथ मूवी इंडस्ट्री के आप तो अल्लू अर्जुन पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। उनकी मूवी पुष्पा द राइज ने कोरोना काल में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई है। इसके साथ ही लोगों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी को भी खूब पसंद किया है। अब मूवी का दूसरा पार्ट भी पैन इंडिया स्तर पर ही बनेगा। इस मूवी के पहले पार्ट को दर्शकों से मिले बेशुमार प्यार के बाद भी इसके दूसरे पार्ट पर भी सभी की नजर है। खबर है कि मूवी के दूसरे पार्ट के लिए लोगों के भयंकर क्रेज को देखते हुए एक बड़े एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेट हाउस ने मैत्री मूवी मेकर से संपर्क कर मूवी की ग्रैंड इंडियन रिलीज के लिए बड़ा ऑफर दिया है। इंडिया गर्ल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी के लिए कॉर्पोरेट हाउस ने मेकर्स को पूरे 400 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। कॉर्पोरेट हाउस ने मूवी की ऑल ओवर इंडिया थियोरेटिकल रिलीज का प्रस्ताव दिया है। वेल दर्शकों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।